हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी खास होने वाला है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पोर्टल का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं जो आपकी किस्मत को पलट के रख दे सकता है। इस पोर्टल में मैं आपको एईपीएस सर्विस पे ज्यादा गौर करूंगा, क्योंकि दोस्तों एईपीएस सर्विस काफी अच्छी सर्विस है और मैं जो पोर्टल बताने वाला हूँ वाकई में एक पोर्टल का बाप है, एईपीएस सर्विस का बाप है। अगर हम बात करें एईपीएस सर्विस को लेकर, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जो आपको आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम देते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ में कमीशन कम होता है, कुछ में लिमिट कम होता है और कुछ में सपोर्ट कम होता है। तो दोस्तों इसमें ना ही आपको लिमिट कम मिलेगा, ना ही आपको सपोर्ट कम मिलेगा और ना ही आपको कमीशन कम मिलेगा। मेरे व्यू से ये पोर्टल पूरी तरह से एक एईपीएस के लिए बहुत अच्छा पोर्टल है और इसकी लिमिट भी जो है काफ़ी अच्छी है, 25-50 हज़ार की इसकी लिमिट कर दी गई है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो सिंपली अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों आप अंत तक देखोगे तभी आप पूरी बातों को समझ पाओगे। मैं आपको पूरे डिटेल के साथ, पूरे प्रूफ के साथ, यहां तक कि इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजैक्शन, हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, 5 ट्रांजैक्शन मैं आपको करके दिखाऊंगा और मैं आपको 25 हज़ार तक का जो है डिपॉजिट करके दिखाऊंगा। सॉरी दोस्तों, 25 हज़ार तक का मैं विड्रॉल करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो अभी एनपीसीआई के द्वारा एईपीएस में डिपॉजिट को बंद कर दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। जब एनपीसीआई एईपीएस डिपॉजिट को शुरू करेगी तो हर पोर्टल पे ये शुरू हो जाएगा, अभी तो फिलहाल आपको वेट करना होगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस पोर्टल के बारे में और आपको किस प्रकार से वर्क करना है और मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये वीडियो लंबा होगा, धैर्य से इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सभी बातें समझ में आ सके। सब्सक्राइब करें टेक गुप्ता चैनल को और दबाएं इस घंटे को ताकि आप देख सकें टेक्निकल और सीएससी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों मेरे चैनल पे वीडियो पहले से उपलब्ध है, लेकिन उसमें मैंने प्रूफ नहीं दे रखा है, meravazal.com। इस वीडियो को देख के बहुत सारे वीएलई, बहुत सारे बंदे हमसे जुड़े थे, यानी कि इस पोर्टल से जुड़े थे और इसमें वर्क भी किए थे और वो अभी वर्क कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर कुछ बंदे हैं, गिने चुने लोग हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट नंबर दिया गया है जिस पे आप बात कर सकते हैं। अगर इस पे कॉल नहीं लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे दिया हूँ, उस पे भी आप बात कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर हम इस सर्विस की, इस पोर्टल की बात करें, तो इस पे सिर्फ एक एईपीएस की सर्विस नहीं है, बल्कि 30 से 40 सर्विसेज मिलती है, जो सर्विसेज एक पे एक हैं। वोटर आईडी कार्ड से लेके उद्योग आधार तक की सर्विसेज हैं, पैन कार्ड से लेके एईपीएस तक की सर्विसेज हैं, लोन से लेके ओल्ड कार लोन तक की सर्विसेज हैं, पर्सनल लोन की सर्विसेज हैं, जॉब से लेके जॉब रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग जॉब एप्लीकेशंस तक की सर्विसेज हैं। तो यानी मिला जुला के इस पे 30 से 40 सर्विसेज वर्क कर रही है और जिसमें काफ़ी अच्छा कमीशन है। अगर हम कमीशन की बात करें, सर्विसेज की बात करें, पर्टिकुलर वर्क की बात करें, तो इस पे एक एक करके मेरे चैनल पे वीडियो है। आप हमारे चैनल पे आ जाइए, टेक गुप्ता चैनल पे, और आपको जो है प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट में मैंने 5-6 वीडियो दे रखा है जिसमें मैंने आपको बता रखा है पोर्टल भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है या नहीं, क्या क्या कमीशन है, कमाई की कितनी इसमें बेसिस है, कमाई किस प्रकार से की जा सकती है, एईपीएस पे कितना कमीशन है। अगर हम एईपीएस पे कमीशन की बात करें तो एक दिन में आप एक कस्टमर से 40 से 45 रुपए कमा पाओगे, क्योंकि दोस्तों ये कमीशन कुछ परसेंटेज पे डिपेंड करता है, इसी वजह से मैं 40 से 45 का बीच बोल रहा हूं। तो हमारे चैनल पे अगर आप प्लेलिस्ट में आते हैं तो यहां पे आपको एक व्यू ऑल का दिखता है ऑप्शन, लाखों की कमाई हो सकती है इस पोर्टल से, meravazal.com। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बता रखा है पूरा सटीक, पूरे इंफॉर्मेशन के साथ, पूरा डिटेल्स के साथ, तो यहाँ पे आप आके पूरी जानकारी देख पाएंगे हमारे चैनल पे। अब हम बात कर लेते हैं इस पोर्टल के प्रूफ के बारे में। तो प्रूफ पे बात करने से पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, और पहले आप देख लीजिए रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा और फिर आप देख लीजिएगा प्रूफ का। तो मैं आपको समय दे दूंगा कि इतने से मैंने प्रूफ को दिखाया है। तो इस पे अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको सबसे पहले आना है meravazal.com पे, यहाँ पे आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। दोस्तों पोर्टल काफी बढ़िया है, मैं भी इस पे वर्क कर रहा हूँ और बहुत सारे 1000 से 2000 बंदे हमारे द्वारा इस पे वर्क कर रहे हैं। कुछ को हो सकती है, गिने चुने लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जिनका कुछ मेजर प्रॉब्लम हो उनके खुद की गलती के वजह से, तो वो कांटेक्ट करें, उनका सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा।
तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको एक पासवर्ड बना लेना है। जो भी आप पासवर्ड चाहें वो आप बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपना स्टेट डालना है। सपोज दोस्तों आप गोवा के हुए या कोई भी स्टेट के हुए, आपको यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी सिटी है। जैसे कि यहाँ पे मैं सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ रेंडमली। उसके बाद दोस्तों आपको सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कोड देखने को मिलता है, तो सिंपली आपको सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कोड पे जाना है और आपको लास्ट के एक ऑप्शन दिखता है गुप्ता जी। तो दोस्तों आपको गुप्ता जी ध्यान देना है, आपको गुप्ता जी ही सिलेक्ट करना है, आपको कोई और कोड नहीं सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे गुप्ता जी सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे पैन नंबर अपना देना होगा, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे दीजिए। आपको यहाँ पे अपना एड्रेस देना होगा। एड्रेस देने के बाद आप सेकेंड एड्रेस दे सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना होगा। पिन कोड दोस्तों आप जैसे ही डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आपको अपना पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको सबमिट एंड प्रोसीड टू पे क्लिक करना है। ये जो पोर्टल है इसकी फी 2500 रुपये आएगी और 2500 में आपको 40-42 सर्विसेज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप पेमेंट कर दीजिएगा, 24 से 48 घंटे में आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और डिस्प्ले पे जो नंबर अभी शो हो रहा है इस पे भी आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इसके रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं कि AEPS के लिए लॉगिन किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से ट्रांजैक्शन करना है। मैं अब आपको प्रूफ देने वाला हूं 25,000 का एक दिन में एक आधार कार्ड पे एक कस्टमर का। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, अब यहां से प्रूफ स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको मेरा बाजार पोर्टल को लॉगिन करना होगा और इसमें दो प्रकार की लॉगिन आईडी होती है। फर्स्ट पोर्टल लॉगिन आईडी पासवर्ड, उसके बाद होती है B2B सर्विस लॉगिन आईडी पासवर्ड। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने वक्त जब आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं वो आपका पोर्टल लॉगिन आईडी पासवर्ड हो जाता है। और उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फी पेमेंट कर देते हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, तब आपको एक ईमेल मिलती है और ईमेल में आपको पोर्टल लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाती है। तो यहाँ पे हम अपने पोर्टल को लॉगिन कर चुके हैं और अब हम B2B सर्विसेज के लिए लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों सिंपली आपको पैन कार्ड पे क्लिक करना है। पैन कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल देना होगा। तो यहाँ पे हम अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद मैं कैप्चा को यहाँ पे फिल करूंगा और दोस्तों कैप्चा आपको ध्यान से फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है, सबसे नीचे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यस बैंक DBT पे क्लिक करना है, क्योंकि ये जो पोर्टल है यस बैंक के थ्रू वर्क करती है और AEPS काफी अच्छी है। इसमें आपको मनी ट्रांसफर मिल जाता है, AEPS भारत बिल पेमेंट। तो आपको सिंपली AEPS पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे सपोर्टेड डिवाइस की अगर हम बात करें, मॉर्फो, मंत्रा, कॉग्नेट और स्टारटेक, चारों डिवाइस यहाँ पे सपोर्ट कर जाते हैं। तो चारों में से अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है तो उसको आप यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप कोई भी डिवाइस को यूज में ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मॉर्फो सेलेक्ट कर लेना है या आपके पास जो भी डिवाइस है उसका ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए सबसे पहले। और डिवाइस जब आप यहाँ पे AEPS को वर्क में लेना चाहेंगे तो आपके सिस्टम से डिवाइस कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है वो कनेक्ट है और यहाँ पे आपको बेसिक सी डिटेल्स डालनी होगी। बेसिक सी डिटेल्स डालने का दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जिनके भी आधार कार्ड से आप पैसे निकालना चाहते हैं। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको आधार नंबर डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम आधार नंबर डाल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पूरा वीडियो प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, कहीं पे मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ या कहीं पे भी मैं कुछ कट नहीं कर रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि वर्ड्स टाइप करने में समय लगते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर फिल कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको अमाउंट डालना है, कितना आप यहाँ पे अमाउंट करना चाहते हैं, 5,000। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपका जो भी बैंक है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बैंक है, IDBI का मेरा बैंक है, IDBI मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, स्कैन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो हो सकता है मे बी डिवाइस नॉट रेडी या आपके साथ ले भी ले, तो आपको एक दो बार ट्राई करना है। अगर डिवाइस नॉट रेडी आता है तो आपको सिंपली बैक करनी है, फिर से आपको करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे डिवाइस की जो लाइट है वो जल चुकी है और यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट जो है सक्सेसफुली हो चुका है। सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना है, आपको कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों कैश रिसीव्ड हो चुका है, कैश का रिसिप्ट यहाँ पे बन चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो चुका है जो कि 5,000 का है। अब हम आपको सेकेंड करके दिखाएंगे और इसी प्रकार से थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों हम फिर से मोबाइल नंबर डाल रहे हैं और आप आधार नंबर मैच कर लीजिए, सेम आधार नंबर है दोस्तों। मैं यहाँ पे कोई भी
फेक नहीं कर रहा हूँ, सेम खाते में मैं आपको ट्रांजेक्शन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार नंबर भी सेम है, और फिर से हम अमाउंट डालेंगे। तो हमने 5,000 का किया था, अभी फिर से हमको 5,000 करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे 5,000 फिर से विड्रॉल कर रहे हैं, 5,000। और यहाँ पे दो जो है आपको अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों मैं एक एजेंट के व्यू से देखता हूँ। तो एजेंट के व्यू से जो है छोटा छोटा अगर आप अमाउंट करते हैं तो आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा। 3,000 रुपये पे 8 से 9 रुपये का आपको कमीशन मिलेगा, और अगर आप 10,000 करते हो फिर भी आपको 8 से 9 का कमीशन मिलेगा। तो तीन तीन करके आप कर लो, ताकि आपको 9 या 27 रुपये 10,000 रुपये पे मिल सके। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हम अमाउंट डालें, और आपको अदर सेलेक्ट करना है। मेरा IDBI का बैंक है, मैं सिंपली IDBI सेलेक्ट करता हूँ। आई एग्री पे आपको क्लिक करना है, स्कैन पे आपको क्लिक करना है। स्कैन पे दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके फिंगरप्रिंट की लाइट फिर से जल जाएगी। यहाँ पे मैं दोबारा अपना उंगली स्कैन कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा फिंगर स्कैन हो चुका है। सिंपली हमें सबमिट के बटन पे क्लिक करना होगा, एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा सेकेंड जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि 5 और 5 10,000 की ट्रांजेक्शन हमने अभी तक कर ली। अब फिर से हम दोस्तों सेम प्रोसेस के साथ सेम ट्रांजेक्शन करेंगे सेम आधार कार्ड पे। आप मोबाइल नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। मोबाइल नंबर डालने के सिंपली मेरा नाम आ जा रहा है। नाम आने के बाद दोस्तों आपको फिर से आधार नंबर डालना है। तो यहाँ पे हम अपना आधार नंबर फिर से डाल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको पूरे प्रोसेस के साथ बता रहे हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा पेशेंस खो सकते हैं। हमें भी बताना अच्छा नहीं लग रहा, बट लोग कहते हैं कि प्रूफ आप नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन हो रहा है, 5, 5, 10 और 5, 15,000 का ये तीसरा है। तो यहाँ पे सिंपली अदर मैं सिलेक्ट करता हूँ, मेरा जो बैंक है IDBI का बैंक है, तो IDBI बैंक में सिलेक्ट करता हूँ और सिंपली स्कैन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप स्कैन पे क्लिक करते हैं आपका जो है फिंगरप्रिंट का लाइट जल जाता है, और आपको सिंपली अपना फिंगरप्रिंट आपको फिंगर एक्सेस कर लेनी है, फिंगर ऑथेंटिकेशन कर लेनी है। तो यह मैं यहाँ पे स्कैन करता हूँ, स्कैन मेरा यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है फिंगर, और उसके बाद सबमिट एंड प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा तीसरा जो ट्रांजेक्शन है यानी कि 5, 5, 10 और 5, 15,000 का ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है, तो दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। और साथ ही साथ दोस्तों आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, रिसिप्ट डायरेक्ट जनरेट होता है, प्रिंट करके आप अपने कस्टमर को भी दे सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी बात आपके लिए। चौथी प्रोसेस में चौथी बार फिर से यहाँ पे जो है पर्सनल डिटेल्स डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, और उसके बाद मैं अपना आधार नंबर डाल रहा हूँ। दोस्तों ये जो डिपेंड करता है आपके बैंक पे डिपेंड करता है, यानी कि आपके बैंक की क्या लिमिट है, खाते की क्या लिमिट है। अगर 50,000 की लिमिट होगी तो 50,000 कर पाओगे, 20,000 की होगी तो 20,000 कर पाओगे। तो आपके खाते पे डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का जनधन का खाता होता है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, इसी प्रकार से। तो यहाँ पे मैं 10,000 कर रहा हूँ, वैसे 10,000 तो लेना नहीं चाहिए, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने 5-5 का सीरीज लेके आ रहा हूँ, और एक बार मैं 10 करूँगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे मैं स्कैन किया और मेरा फिंगर यहाँ पे कैप्चर हो रहा है, मेरा फिंगर कैप्चर हो चुका है। सिंपली सबमिट, सबमिट के बाद प्रोसेस। तो मे बी यहाँ पे इस बार ना ले, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन अमाउंट एग्जिट, यानी कि हमको 5,000 करना होगा। तो सिंपली 5,000 करते हैं, और यहाँ पे हम अपना अमाउंट डाल देते हैं IDBI बैंक, उसके बाद स्कैन, स्कैन के बाद सिंपली दोस्तों सबमिट हम करेंगे, और सबमिट करने के बाद हमारा यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है, यानी कि दोस्तों हम अभी तक 20,000 का ट्रांजेक्शन कर चुके हैं इस पोर्टल पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 मेरा हो चुका। फिर से मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, वीडियो में थोड़ा सा स्किप कर दिया हूँ, क्योंकि दोस्तों सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करना हो रहा है। आधार नंबर मैं यहाँ पे अपना डाल रहा हूँ, 20,000 अभी तक मैं आपको सामने कर चुका हूँ। यहाँ मैं फिर से 5,000 सेलेक्ट कर रहा हूँ, अदर सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरा जो बैंक है IDBI का बैंक है, IDBI बैंक, उसके बाद सिंपली एग्री, आई एग्री के बाद सिंपली सबमिट, और सबमिट के बाद दोस्तों आई एग्री के बाद स्कैन करना है। स्कैन आपका हो जाता है फिंगरप्रिंट, उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट जैसे ही आपका होता है आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो दोस्तों आप लोगों के सामने मैंने इस पोर्टल से AEPS पोर्टल से 25,000 का ट्रांजेक्शन कर दिया। मैंने आपके सामने 5 ट्रांजेक्शन कर दी, यानी कि 9,545 रुपये की कमाई मैंने 5 मिनट में कर ली AEPS के जरिए। तो दोस्तों आप लोगों के सामने मैंने 25,000 की ट्रांजेक्शन करके दिखा दी।
5 ट्रांजेक्शन करके दिखा दी, 45 का कमीशन मेरे वॉलेट में ऐड हो चुका है। तो इसी प्रकार से मेरा बाजार APS सिस्टम वर्क करती है। अगर अब भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे 2 नंबर आपको शो हो रहा है जिस पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो, पूरी बातें को समझ सकते हो। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यही था। अगर आप फिर भी कुछ जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 मोबाइल नंबर दिया है जिसपे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है मेरा बाजार से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करने का जरूर कोशिश करूंगा। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरा बाजार पोर्टल पे टेक गुप्ता सेलेक्ट करके, गुप्ता जी सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आप कहीं से भूले भटके हमारे पोर्टल पे आ गए हैं, हो सके तो हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों वीडियो में बताइए, आप कमेंट करके आप बताइए कि आपको मेरा बाजार पोर्टल कैसा लगा, ये प्रूफ वाला वीडियो आपको कैसा लगा। जानता हूँ कि मैंने आपका कुछ ज़्यादा समय ले लिया लेकिन साबित करना ज़रूरी था। तो बस दोस्तों वीडियो में यही था, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।